Hey guys, welcome back to the channel. I hope you are having a great day. Make sure to subscribe and be the part of this beautiful family. आज बज रहा 7:05 और मैंने एयरपोर्ट को फोन करा दो बार, कॉल नहीं रिसीव करी. एक बार तो उसने रिसीव नहीं करी, दूसरी बार में उसने रिजेक्ट कर दी. तो अभी पता नहीं कैसा क्या लुक, मुझे लगता है थोड़ा बहुत सही लग रहा है. और मैंने आज भी यार वही टी शर्ट और जीन्स लगा लिए, ट्राउजर नहीं लिया क्योंकि अभी टेम्प्रेरी हम लोग सपोर्टिंग स्टाफ में, और जब परमानेंट हो जाएंगे तब शायद एक बार ट्राई करें कि ठीक है, तब तो परमानेंट हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी यार कि हाँ मिलना ही मिलना है. अब तो काम भी मिलना ही मिलना है. सपोर्टिंग स्टाफ में ये होता है कि वो आपको कभी भी बोलेंगे कि ठीक है कल आओ, कभी बोलेंगे कि कल मत आओ, जब उनके पास अगर ज़रूरत नहीं होगी तो. बच्चे कम होंगे या फिर स्टाफ ठीक ठाक होगा लिमिटेड, तो ये भी बोल सकते हैं. तो ऐसा होता है, तो अगर परमानेंट हो जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा. आराम से 10,000 रुपये महीने का निकाल लेंगे, अपनी फीस तो निकाल ही लेंगे. मैंने बोल दिया क्या? नहीं बोलना था. तो हम अपनी कॉलेज की फीस निकाल लेंगे तो लगभग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. फुली इंडिपेंडेंट तो नहीं हो पाएंगे बिकॉज फुली इंडिपेंडेंट में बच्चे के हिस्से में आता है एकोमोडेशन एंड फीस, सॉरी फूड. फीस तो अपनी निकाल लेंगे, इतना तो इंडिपेंडेंट हो ही जाएंगे, सेमी इंडिपेंडेंट मान लो. तो भी चलो, तो गाँव में ऐसे ब्लॉगिंग करना है ना थोड़ा सा मेरे लिए, लेकिन अब कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब लगता है. नए नए लोग देखते इधर उधर कर क्या रहा है. उसे एक अंकल जी इधर राइट साइड में से मेरे को झांक रहे, नहाते हुए झांकने लगे. DDC तो यहीं पे बैठ के जो ज्ञान वाला जो शॉट है ना वो यहीं का है, यहीं पे हम लोग बैठे थे. बस बैठ के बस बातें छौकी जाती हैं पूरा दिन. पूरा दिन क्या, लगभग जब काम पड़ता है तो फटाफट काम करते रहो. ये इधर पे जो टेबल पड़ी है यही यहाँ पे डाल के, उधर से कैंडिडेट्स आते हैं गेट से, उनको यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड सारी चीज़ें मैच करके आगे भेजी जाती हैं स्टैंप लगा के यहीं से. आगे वहाँ पर अंदर लोग अलॉट करते हैं, जो IT वाले होते हैं वो सब फिर अलॉटमेंट करते हैं. मैं सोच रहा हूँ परमानेंट घुसने के, अंदर परमानेंट हो जाएंगे तो सही रहेगा. ज्ञानेंद्र आता है उससे भी बात करते हैं कुछ, क्योंकि अगर परमानेंट हो जाएंगे तो मुझे स्कूल से ज़्यादा मिलेगा. और फिर ऐसा होगा कि मान लो अगर मैंने 10 दिन यहाँ पर ड्यूटी की, ठीक है 20 दिन मेरे बच गए, 10 दिन में मैं स्कूल के जितना निकाल लूँगा, ठीक है, और उसके बाद से फिर मैं 20 दिन अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकता हूँ, डिप्लोमा वगैरह. सो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा मेरे को. और भी कई चीज़ें मैटर करती हैं, और स्कूल में रहता है कि मेरे को डेली उतना टाइम जो मेरे कॉलेज का टाइम है वो टाइम मुझे वहाँ देना पड़ेगा स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ नहीं मैनेज हो पा रही. किसी ना किसी तरीके से वो आगे पीछे गड़बड़ हो जाता है. देखते हैं क्या हो पाता है. और अगर कॉलेज में हम रेगुलर रहेंगे तो हमारी फीस भी कम पड़ेगी, अटेंडेंस भी 70% हो जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी. 70 कन्फर्म तो नहीं, 70 हो जाएगी, क्योंकि इसी महीने पूरा महीने काम मिल गया तो ज़्यादा सही है. आज मैंने अपने बाल थोड़ा सेट करवा लिए तो थोड़ा सा आज कायदे के लग रहे होंगे. आ गया ध्यान में, अरे गजब आज लौंडा फॉर्मल में आया, बिल्कुल दिखाते हैं. फॉर्मल किसे तान दिए पैंट, तो पैंट तो भाई हमारा ट्राउजर रखा है, सोच रहे भाई पहन के आएंगे ट्राउजर. अब जीन्स एक दो दिन चला लें, अब गंदी तो हो ही जाएगी, इसलिए हम सोच रहे हैं जीन्स चला लें फिर ट्राउजर निकालेंगे आराम से. 3 दिन ट्राउजर पहन लेंगे, ट्राउजर तो आराम से पहन सकते हो, सभी ट्राउजर पहन के आते हैं ब्लैक वाला. अनिकेत वही है ना, अनिकेत कि पूरा दिन में मतलब मोबाइल यहाँ से अभी सबमिट हो जाएगा, इसमें मतलब 7:30 बजे 8 तक सबमिट हो जाएगा, हर हालत में 8 तक सबमिट हो जाएगा, उसके पहले पहले शाम को मिलेगा 4:30 के बाद. इतनी देर मोबाइल भी छूट जाता है तो ये भी एक अच्छी आदत बन जाएगी. और हाँ जाहिर है हमें, चलो देख पांडे क्या क्या बातें हो रही पांडे मशहूर हो गए. रजनी पांडे बहुत मशहूर है, टेंशन ना लो बेटा. प्रधान जी साहब हेलमेट हमें चाहिए. अरे रुको आ चुका है, बाज रे दासी चलोगे? हाँ तीन भर रहा था, चलो तीनों लोग जो हम जा रहे, ठीक है. हाँ बाबा बहुत तेज है, आप बाहर चलो, बाहर आ जाओ. ये क्या कर रहे हो? चलो कौन पता नहीं आया कि नहीं आया, ठीक
भाई आराम जाना तुम लोग भाई भगाता माऊ था हमारी जो आंखें नहीं खुल रही थी यार हाँ बिल्कुल ट्रेलर फाइटर या फिर प्रशांत विश्वास हल्के में ना मिल जाएगा 2228 कुछ सब्सक्राइबर है अभी तो वीडियो बनाते हुए नहीं बस कभी कभी पूरा दिन की मतलब शूट करते हैं थोड़ा मेन मेन चीज़ मोबाइल खा रहे टायर तो शूट कर बहुत मजा आएगी माउंट लेते हैं अगर अपलोड कर देना सही बात भाई वायरल भी हो जाए तगड़ी मौत लेते चलो चाप चलना करने का विष्णु को पोजिशन में लेते बाजरे अब मुझे ना खुशी रहती है मेरे व्लॉग्स का ऑडियंस रिटेंशन देख के भले व्यू कम आते हैं 30-32-35 लगभग इतने आते हैं व्यू लेकिन जेन्युइन लोग देखते हैं जो सच में मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पर एवरेज वॉच टाइम लगभग समझो 30% या फिर 40% रहता है मतलब लोग मेरा वीडियो अगर स्टार्ट करते हैं तो वो देखते हैं लगभग काफी वीडियो देखते हैं आधा या फिर आधे से ज्यादा तक देखते हैं तो वो मुझे अच्छा लगता है कम से कम देखते हैं यार वो लोग उनको पसंद आता है मेरा कंटेंट मतलब वो सच में मेरी लाइफस्टाइल जानना चाहते हैं इसलिए देखते हैं व्लॉग्स तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और देखते हैं अभी आगे व्लॉग में क्या होता है अभी स्कूल से छूट गया भाई मौज बहुत होती है वहाँ जहाँ हम लोग गाड़ी करते हैं बैठ के इतना मौज करते हैं और जो अर्पित है ना जिसकी बाइक से मैं अभी आया था अर्पित भाई इतनी मौज लेता है हाँ सच के मेरा तो पेट दर्द करने लगता है और आज मेस में पता है खाना बना था क्या वो बैगन और आलू की सब्जी भाई नहीं झिली बैगन में और उसमें पता है मेरे हिस्से में ऐसा हो रहा था बार बार मैं दो बार सब्जी ली दोनों बार भर भर के बैगन दिए तो मैंने तरी सोख ली बैगन पूरे छोड़ दिया अच्छा ही लगता है थाली में खाना छोड़ना लेकिन मैं बैगन नहीं खाता हूँ यार क्या करूँ फिर रायते से मैंने काम चलाया रायता भी मिला था खाना अच्छा खासा मिलता है लेकिन पैसा थोड़ा काट देते दूसरी जगहों पे जैसे एक्सिस कॉलेज है यहाँ पर 300 रुपये मिलता है गाड़ी का फिर चाहे तुम सपोर्ट में हो या फिर सपोर्टिंग स्टाफ में हो या फिर अंदर उसमें हो जैमर वगैरह में या फिर कोई स्टाफ में हो रजिस्ट्रेशन में हो आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह में अगर मिल जाएगी अच्छी या फिर जैमर में मिल जाएगी जैमर में भी 300 रुपये है यहाँ पे तो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं यहाँ अपन की में जैमर में 300 रुपये मिलता है पर डे का और जैमर में भी ज़्यादा काम नहीं होता है काम करना पड़े उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन पैसा मिलना चाहिए क्योंकि भाई अब मोटिव है लाइफ का पैसा कमाना और अपने शौक के लिए खर्च करना मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था शौक मम्मी पापा के पैसों से नहीं होती अपने पैसों से होती अभी मैं बस कमा रहा हूँ ताकि मैं आगे लंबे ट्रैवल वीडियोस कर सकूं मैं ट्रैवल कर सकूं मेरा लाइफ का एक ही गोल है ट्रैवल करना जो मैं इस समय डिप्लोमा कर रहा हूँ वो मेरा बैकअप प्लान है उसको मैं एक कॉन्स्टेंट इनकम के लिए रखूंगा उससे कॉन्स्टेंट इनकम आती रहेगी और हम ट्रैवलिंग करते रहेंगे आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी शायद मैं फ्यूचर में अच्छा कर सकूं और शायद कुछ मैं कर सकूं फ्यूचर में अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी हो गई बिल्कुल रात घड़ी देखने की अब तो आदत पड़ गई तो बस मैं टाइम देखने के लिए बस मैंने हाथ करा है घड़ी नहीं है तो और हाँ मैं जा रहा हूँ आटा लेने उसी चक्की में जा रहा हूँ जहाँ लास्ट टाइम मेरे को आधे रुपए का सिक्का मिला था अगर आप लोगों ने आधे रुपए का सिक्का नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो को आधे रुपए का सिक्का मुझे मिला था उस चक्की में मतलब अंकल ने दिखाया था 1/2 50 पैसे का मैं मान सकता हूँ सबने देखा होगा 50 पैसे मेरे सामने चलता भी था हम लोग लाते भी थे सामान उससे दुकानों पे और आधा 1/2 उसमें लिखा था आधे रुपए का सिक्का 1957 का था मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा देख लेना और अब जा रहे हैं उधर आटा लेने उधर ही अंडे वंडे खा के आएंगे बॉइल्ड एग्स क्योंकि अब से मैंने पुशअप्स वगैरह स्टार्ट कर दी होम वर्कआउट ही करता हूँ यार जिम जाने का देखो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए जिम के लिए घर पे अभी देखा हाँ सुबह 15 मिनट और बाकी 15 मिनट में पुशअप्स के लगा लिए 4 सेट 20-20 के ये सही रहता है और अभी मैं एब्स का मैंने आज लगा दिया और वो भी बैक पेन है मेरे को लोअर बैक में तो चल गया लेकिन मैंने एक ही सेट लगाया 10 का शायद 10 एब्स मारे थे दोबारा नहीं मारा भाई बहुत दर्द हो रहा था चलो चलते हैं अंडा वंडा खाते हैं फिर आते हैं अजीत की दुकान पे अंडे रखे अच्छा लगता है अंडा कच्चे अंडे और अच्छे लगते हैं हिलाने में ये हम ही जैसे छील लेते हैं अक्सर छीलने में ज्यादा मजा आती है अच्छा ऐसा भी है तो यार अभी कल शाम के बाद मैंने कोई शूट नहीं किया तो बस यार वीडियो में इतना ही था मिलते हैं आपसे कल सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग 9:15 और शायद ये वीडियो शाम को ही आई क्योंकि अब मैं क्या ही एडिट कर पाऊंगा अब तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो
आज आप ये शाम को देख रहे हो, कल सुबह 9:15 पे पूरी वीडियो आ जाएगी, आज भर की पूरी। तो बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल सुबह 9:15।